This video is sponsored by Pixtoons Animation Studio. देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज चैनल। रूस में कायम पुतिन का दबदबा, राष्ट्रपति चुनाव में फिर मिली बड़ी जीत। रूस में रविवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव में व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर सत्ता के शिखर पर काबिज हो गए हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग के मुताबिक अब तक लगभग सारे ही मतपत्रों की गिनती हो चुकी है, जिनमें 76% से ज़्यादा पुतिन को ही गए हैं वोट। वहीं शुरुआती रुझानों में ही अपनी जीत पक्की देख पुतिन ने मॉस्को में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, वोटरों ने बीते कुछ सालों की उनकी उपलब्धियों पर मुहर लगाई है। इससे पहले रूसी सरकार के अधिकारियों ने बताया था कि रविवार को अच्छा खासा मतदान हुआ है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगा रहा है। पुतिन के खिलाफ इस चुनाव में 7 उम्मीदवार खड़े हैं। वहीं उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी एलेक्जेई नवलनी पर कानूनी कारणों को लेकर रोक लगा दी गई है। इसलिए पहले से ही तय माना जा रहा था कि इन चुनावों में पुतिन एक बार फिर आसानी से जीत जाएंगे। पुतिन ने 2000 में पहली बार राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से विपक्ष की आवाज़ को दबाकर टेलीविज़न पर सरकारी नियंत्रण कर और विदेशों में रूस के दर्जों को दोबारा स्थापित कर दुनिया के सबसे बड़े देश पर अपना पूरा अधिकार कायम कर रखा है। वो यहाँ पिछले 18 साल से कभी राष्ट्रपति तो कभी प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता के शिखर पर काबिज हैं।